तो ग्लाइसकॉल एलॉयज की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब लैक्स में दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ईपीएस मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर को छोड़ करके। तो सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की रेवेन्यू चेक करते हैं। सो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 16.81 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, और अगर ये सितंबर 2022 के क्वार्टर एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 6.12 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 8.75 करोड़ का रेवेन्यू इस कंपनी ने जनरेट किया था। तो अभी अगर इस कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ देखा जाए तो इस कंपनी ने बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है इन दिसंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कशन करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 14.7 करोड़ का खर्चा किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 5.33 करोड़ का खर्चा किया था एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 8.35 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो यहाँ पे अगर इस कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो वो दिसंबर 2022 के क्वार्टर के निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 12.58%, सितंबर 2022 के निकल के आ रही है 12.87% एंड दिसंबर 2021 की सिर्फ और सिर्फ 4.55%। मतलब कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो रिड्यूस हुई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ नेगेटिव में है, बाकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2.21 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 98 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 7.64 लाख का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ की तरह ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही पॉजिटिव में निकल के आ रही है। एंड अगर देखा जाए स्पेशली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने 10 गुना से भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई है, 10 गुना से भी ज़्यादा प्रॉफिट पोस्ट किया है इन दिसंबर 2022 की क्वार्टर कंपेयर टू दिसंबर 2021। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ। इस ग्रोथ को छोड़ के बाकी हर एक ग्रोथ कंपनी की पॉजिटिव में, या मतलब ये प्रॉफिट मार्जिन को छोड़ के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म की है इन दिसंबर 2022 की क्वार्टर। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गाइस स्टे सेफ।